तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज के बारे में। तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो यार रिक्वेस्ट करता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन इसको प्रेस कर दो, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालता हूँ। और हाँ, इस वेब सीरीज को फ्री में कहां से देखें वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में तो इस वीडियो को पूरा देखना। बात करते हैं इस वेब सीरीज की, तो इस वेब सीरीज में तकरीबन हमें 7 एपिसोड देखने को मिलता है। हर एक एपिसोड लगभग 43 से आधे घंटे के बीच है। कुछ लोगों से कहानी शुरू होती है जो अपने आपको एक आइलैंड पर पाते हैं, और जैसे उनको होश आता है उनको पता, और वो ऐसे आइलैंड पे पहुंचे जहाँ पे कोई भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों को इस आइलैंड पर लाया किसने, और सारे के सारे लोगों ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी, प्लस नाम तक नहीं पता है, वो लोग कहाँ रहते ये नहीं पता, मतलब उन लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बेसिकली कुछ भी नहीं पता। तो आइलैंड से वो लोग निकलेंगे से, क्या वो आपस में झगड़ा करेंगे या कुछ उनको टास्क दिया जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। हम लोग इतना बोल सकते हैं कि हम लोगों ने सर्वाइवल के ऊपर काफी फिल्में देखी है, काफी वेब सीरीज भी देखी हुई, अमेरिकन वेब सीरीज थी लॉस्ट करके, उसके तकरीबन 5 सीजन बन चुके हैं और वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन 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 ये वेब सीरीज वन ऑफ दी वर्स्ट सर्वाइवल टॉपिक पर बनी गई वेब सीरीज में से एक है, मैं आप लोगों को इतना बता दूं, क्योंकि इतनी स्लो है। आप जब ये वेब सीरीज शुरू होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सर्वाइवल के ऊपर बनने वाली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है, रोचक होती है, देखने में बहुत मजा आता है, दिल दहल जाता है कि यार किस तरीके से निकलेंगे, क्या ट्रैप है, क्या है, ये सब कुछ पता है। लेकिन जब ये वेब सीरीज शुरू होती है शुरुआत में मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वेब सीरीज आगे बढ़ती है आपको ना अपना बाल नोचोगे, मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि पहले तो ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा स्लो है परफॉर्मेंस वाइज। एक का दो के परफॉर्मेंस अच्छे है, मगर उसके बाद कोई भी परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं है, और इतनी स्लो कहानी, स्लो कहानी, और आगे आगे आप प्रिडिक्ट भी कर लोगे, और जिससे ये शुरू होती है उसी पे ये वेब सीरीज खत्म भी होती है। और ये वेब सीरीज मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं नहीं चाहता कि आप लोग का भी टाइम वेस्ट हो। तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेब सीरीज ना देखे, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है, आप में मस्ती है, चूल है, तो यार ये डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरे, आपको टेलीग्राम में इस वेब सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप फ्री में देख सकते हो। यार बहुत सी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है मैं जितना फ्रस्ट्रेट होना है आप लोग का भी हक बनता है फ्रस्ट्रेट होने का भाई। तो ये वेब सीरीज को जरूर देखना, और ये वेब सीरीज देखने के बाद आप लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो या आप लोग को वाकई वेब सीरीज अच्छी लगी तो बहुत ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये सब चीजों का, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं आप लोग के अच्छे कमेंट का, बुरे कमेंट का, मजा आ जाता है यार। तो यार मैं तो इस वीडियो से भाई अभी तो आप लोगों से बाय कहता हूं, लेकिन यार जाने से पहले इतना बोलूंगा, प्लीज भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बनेंगे उसे प्रेस कर दो, और अगर ज्यादा पसंद आया भाई के वीडियो तो यार प्लीज शेयर कर दो यार, शेयर करने में क्या जाता है। तो मैं भी कल किसी नए वीडियो का